दोस्तों, आज जैसे कि बैंक निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं हो गया, वहां से नीचे आगे क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है और बैंक निफ्टी में हम लोग कल इंट्राडे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। तो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट डेली व्यू। मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 19 जुलाई को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी। और जिस टॉप में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम आएगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, हम लोग पहले शुरू करते हैं निफ्टी से, देन हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी और उसके इंट्राडे के लेवल्स। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे निफ्टी से शुरुआत करते हैं। और निफ्टी यहाँ पे ओनली 37 पॉइंट पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी 38 पॉइंट निगेटिव, यानी मार्केट कंप्लीट फ्लैट है। आफ्टर ये जो है कि रैली के बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे जो हॉल्ट कर रहा है, और कोई भी एक रैली के बाद ये होता ही है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो टारगेट होगा, यानी कि 19729 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा 19800 का, तो लगभग अपना वो टारगेट हो गया है और हमको नेक्स्ट लेवल भी मिल गया है, वो है 19816। तो इसके ऊपर अगर जाता भी है तो हमको नेक्स्ट हर्डल होगा 19900 का, और मार्केट 20,000 जाने का यहाँ पे बहुत कोशिश कर सकता है। परसों जैसे कि इन्फोसिस का रिजल्ट भी है और मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम भी और आ सकता है। मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट होने के बाद पीछे यहाँ पे चलने लगेगा, शायद 20,000 के लिए थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, लेकिन मार्केट ऊपर नीचे करते करते यहाँ पे जा सकता है। हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? तो हम लोग अपने लेवल के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मार्केट जो है कि 19749 यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो हमारे लिए अभी जो है कि नजदीक वाला सपोर्ट जो है 19729, और उसे भी अच्छा वाला सपोर्ट जो है कि 95 95 का, यानी 19600 का सपोर्ट यहाँ पे हमको बहुत ही अच्छा दिख रहा है। मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल जो है कि पॉजिटिव है। अगर आपको पॉजिटिव ट्रेड कल भी मिले तो हम लोग वहां पे पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हैं। तो कल जैसे कि कोई बड़े कंपनी, यानी निफ्टी रिलेटेड कंपनीज का यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं है, तो देखते हैं हम लोग निफ्टी कैसे चलता है, हम लोग लेवल के ऊपर उसको ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके ऊपर का भी मैंने आपको लेवल बताया। तो हम लोग इंट्राडे में निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये हम लोग देखेंगे, जो कि 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आज जैसे कि मार्केट यहाँ पे अप साइड में ओपन हुआ है, और जैसे कि यहाँ पे 800 की यहाँ पे देखिए कि यहाँ से सेलिंग आया, और सेलिंग आने के बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन टू हुआ है, लेकिन अपना 19729 के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो कल के लिए भी हमको सेलिंग के लिए 19729 के नीचे जाता है तो हम लोग सेल करेंगे, बाइंग के लिए 19816 के ऊपर हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट देखेंगे। तो बैंक निफ्टी और जैसे कि कल HDFC बैंक ने मोमेंटम किया था, बहुत ही अच्छा मूवमेंट किया और बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन हम लोग अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने जो ऑल टाइम हाई यहाँ पे बनाया था, जो कि 45655 का, यहाँ पे आज बैंक निफ्टी ने ब्रेक तो किया लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो गई। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैंने नया फिबोनाची लेवल जो बनाया उसके ऊपर जो ये लेवल आ रहा है 45975, ये जो लेवल्स है यहाँ पे क्रूशियल लेवल्स है। और अगर हम लोग आज का हाई भी देखेंगे तो आज का जो हाई है मार्केट का है वो है 45900। तो 45900 और ये ऊपर का लेवल 975, ये अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से जो है कि बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा ऊपर जा सकता है। पहले 46,000 का लेवल होगा और फिबोनाची के ऊपर हमारा जो है कि 46857 का भी यहाँ पे टारगेट आ सकता है। अभी नीचे जो बैंक निफ्टी को सपोर्ट है 45100 का, यहाँ पे हम लोग सपोर्ट यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट और भी हमको सपोर्ट चाहिए तो हम लोग जो कि आज का लो है ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है, 45272। तो ये लेवल्स है। और ओवरऑल जो कि अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉजिटिव ब्रेक है अभी तक बैंक निफ्टी का। और जैसे कि नदी वाला कोई भी लो यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, ऑलमोस्ट 44,500 इसका मेजर लो रहेगा, अगर ये ब्रेक करता तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव साइड हम लोग बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। इंट्राडे में भी कल बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है ओके, वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हो गया था, यहाँ पे देखिए जो है कि सपोर्ट ब्रेक किया,
और ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद उसको ये रेजिस्टेंस बना के नीचे लेके गया। आपने जो लेवल से देखे कि ये लेवल्स भी जो पहले मैंने आपको यहाँ पे पहले भी दिए थे यहाँ पे और भी करें, और देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निकली प्रॉपर वर्क करते हैं। बैंक निफ्टी में हमको क्लियर है कि कल बाइंग करना है तो 45,655 के ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे, और सेलिंग जैसे मैंने कहा कि आज का लो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा जो कि नियर सपोर्ट रहेगा 45,110 के नीचे। कल अगर बैंक निफ्टी जाता तो हम लोग सेलिंग के लिए देख सकते हैं। दोस्तों आज मार्केट बिल्कुल फ्लैट था, और जो हमने दो स्टॉक दिए थे जैसे कि SBI, तो यहाँ पे अगर SBI भी देखोगे तो ये लगभग ये अपने लेवल से थोड़ा नीचे आया, और HDFC बैंक जो था कि अपने लेवल से ऊपर खुला लेकिन बाद में नीचे आया, तो दोनों भी इतने खास वर्क नहीं हुए। तो अगर ऐसे मार्केट फ्लैट होता है तो ऐसे भी वर्क होता है। लेकिन कल के लिए हम लोग कुछ स्टॉक देखेंगे, उसमें है पहला इंफोसिस। तो 20 तारीख को इंफोसिस का रिजल्ट है, शायद वो आफ्टर मार्केट आवर्स भी लगे तो 21 तारीख को इसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन कभी भी देखिए कि कोई भी स्टॉक है उसमें रिजल्ट है तो वो पहले ही परफॉर्म करता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इंफोसिस भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे मोमेंटम चल रहा है। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है और इंफोसिस 1477 के ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, 1520 का यहाँ पे टारगेट आ सकता है। वैसे IT स्टॉक सभी अच्छे चल रहे हैं, तो नेक्स्ट जो स्टॉक है HCLTech, ये भी IT से है। तो यहाँ पे देखिए कि एक लेवल था पहले, ये ब्रेकआउट किया था, फिर से ये लेवल के यहाँ पे आके इसने एक हैमर कैंडल बनाया, और ये हैमर कैंडल एक जो कि पॉजिटिव कैंडल बना है स्ट्रॉन्ग। 1169 के ऊपर जाता तो हम लोग इसमें बाइंग करेंगे, इसका टारगेट हो सकता है 1190 का टारगेट आ सकता है। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल स्टॉक ऐसे चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल मेरे साथ सीखना है लाइव मार्केट में, तो यहाँ पे दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।